बताइए कौन सा स्टॉक है। स्टॉक की पहले प्राइस बता दूं, टारगेट स्टॉप लॉस तो कुणाल जी बताएंगे। 92.50 रुपए, ठीक है, ओके। सेक्टर है टी सेक्टर का स्टॉक और चाय के दाम जय श्री टी। देखिए दीपाली जी ने एकदम सही स्टॉक बताई दिया, जय श्री टी। और वजह यह कि देखिए 1 अक्टूबर से चाय के दाम बढ़ने वाले हैं, कम से कम 30 से 40 रुपए प्रति किलो। तो आप शेयर अगर नहीं भी खरीदते तो चाय खरीद के रख लीजिए, पहला काम तो ये कर लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक दौड़ लगाने वाला है। और ये सेक्टर पूरा ऑलरेडी 8 रुपए दौड़ चुका है। नाम 92.50 पे आपने बताया ना ये स्टॉक। हाँ, मैंने तो देखा तब 92.50 93, इसलिए मैं बता दूं पहले क्यों बढ़ने वाला है। 30 से 40 रुपए 1 सितंबर से चाय के दाम बढ़ जाएंगे। और क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि साउथ में जो बाढ़ की वजह से चाय की फसल पूरी खराब हो चुकी है, पूरी की तरह 50% वहाँ की फसल खराब हुई है। कुन्नूर में जो पिछले हफ्ते ऑक्शन हुआ है उसमें 8 रुपए ऊपर चाय के दाम पे भी कोई सेलर नहीं था, ऑक्शन हो ही नहीं पाया क्योंकि सेलर ही नहीं है। दूसरी बात, अभी तो अगस्त और सितंबर ये 2 महीने ऐसे हैं जहां पर चाय की डिमांड कम होती है, और उसके बाद अब जब विंटर सीजन आएगा तो तब तो डिमांड और बढ़ने वाली है, तो शॉर्टेज जबरदस्त है वहां पर चाय की। अब ये जो सब कुछ हो रहा है इससे फायदा किसको होगा? उन कंपनियों को जो नॉर्थ में है, 24 मिलियन किलो का प्रोडक्शन चाय का करती है जयश्री टी, उसमें से सिर्फ 2 मिलियन है साउथ से, बाकी 22 मिलियन इनका जो है वो नॉर्थ से है। तो पहली चीज, और अच्छा इनके पास स्टॉक भी अच्छा खासा पड़ा हुआ है, तो उस स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी इनके लिए, सबसे बड़ी चीज ये है। तो सितंबर से दिसंबर वाला जो क्वार्टर होगा वो इनके लिए बम्पर होगा। तो ये कॉल न सिर्फ आज के 2000 के लिए, आज के लोगों के आज के लिए है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर चाय के शेयरों में पैसा लगाना चाहते हैं। मैं हमेशा शुगर शेयरों के लिए मना करता हूँ, कभी पैसा मत लगाइए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चाय के शेयरों में आपको पैसा लगाना है तो लगाने का वक्त है इस वक्त। और कम से कम अगर ये 10 से 15% भी दाम बढ़ा दें, जो कि बड़ी आसान बात है, तो इनके लिए 10-12 रुपये EPS अगले तिमाही में करना कोई बड़ी बात नहीं है। कुन्नूर में प्रीमियम चाय का प्रोडक्ट जो पिछले हफ्ते की रिपोर्ट है, 18 रुपये ऊपर ऑप्शन में कोई सेलर नहीं, मतलब किसी के पास ऑप्शन में बेचने के लिए चाय नहीं है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि कितनी स्केर्सिटी हो रही, कितनी कमी हो रही। तो यह है टारगेट्स वगैरह, तो कुणाल जी आप ही को बताने हैं। अनिल जी, 13% शेयर बढ़ा हुआ है। हाँ, अब देखिए इंट्राडे में क्या है कि जिन्होंने आपके कहने पर खरीदा था, आपने 92 पर बोला था, और 92 पे मुझे लगता है कि लोगों ने 93-94 तक खरीदा, 94-95 भी लिया होगा, 95 भी जिसने लिया होगा उसको 10 रुपए इंट्राडे में हाथों हाथ मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है एक बार प्रॉफिट बुक कर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक लॉस, देखिए इन्वेस्टर्स के लिए 2012 से 2018 यानी कि 6 साल से ये शेयर कंसोलिडेट कर रहा है, एक ही दायरे में ट्रेड करता है, लेकिन जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 116-117 के आसपास है, तो जो पोजिशनल टारगेट है वो 116 का है। इस स्टॉक में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर आप इसको होल्ड कर लेंगे इसमें सारे भाव आपको वापस आते हुए दिखेंगे, लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो मेरी राय में 116-117 के आसपास एक बार के लिए प्रॉफिट बुक।